कैसे हो बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। थर्ड स्टैंडर्ड का मैथ्स हम कर रहे थे, टॉपिक हमारा मल्टीप्लिकेशन कंटिन्यू है, ये पार्ट टू है। इससे पहले हमने इसका पार्ट वन बनाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो में हम पेज नंबर 28 to 30 तक कवर करेंगे, तो आइए बिना देर करे जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की ये इंटरेस्टिंग क्लास। तो जैसे कि इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तो आपको टेबल्स आना बहुत ज़रूरी है। तो देखो, पेज नंबर 28 पर आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल्स ऑफ 7, 8 and 9 दिया गया है। लास्ट वाले वीडियो में हमने 6 का टेबल देखा था, यहाँ पर 7, 8 and 9 का टेबल दिया गया है। देखते हैं क्या कह रहे हैं। लेट अस मेक 7, 8 and 9 टाइम्स टेबल्स लाइक द 6 टाइम्स टेबल। देखो, 7 1 7 होता है, 7 को अगर आप 1 टाइम लोगे तो वो 7 होगा, 7 2 14, 7 को अगर आप 2 टाइम्स लोगे, जैसे अगर आप काउंटिंग करो अपने हैंड्स पर तो 7 फिंगर्स के बाद अगर आप फिर से 7 काउंट करो, 7 के बाद क्या आता है, 8 9 10 11 12 13 14, तो आपको क्या मिलेगा, 7 2 14। इस तरीके से अगर आप 7 को 3 टाइम्स लोगे तो आपको मिलेगा 21। तो ये टेबल्स आपको दिए गए हैं, आइए मेरे साथ आप भी रीड करेंगे और इन टेबल्स को बाय हार्ट करना है आपको, ताकि आपको मल्टीप्लीकेशन में आसानी हो। स्टार्ट करेंगे, 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 10 70। अगर आपको 7 11 करना है तो आपको 7 को 11 टाइम्स करना पड़ेगा, या फिर आप इस 70 में प्लस 7 कर दो तो भी आपको 7 11 मिल जाएगा। जब भी आपको कोई नंबर मिले उसके आगे आप 7 7 ऐड करते जाओ तो आपको आगे के नंबर्स पता चलते रहेंगे। जैसे कि देखो, 7 है, 7 के बाद अगर इसमें 7 मिला लेते हो तो 14 होता है, 14 में ही 7 अगर आप प्लस कर लोगे 21 मिलेगा। इस तरीके से अगर आप 7 7 ऐड करते हुए जाओगे तो आपको आगे आगे के नंबर्स मिलते रहेंगे। 7 8 56 होता है। अब अगर आपको 9 का पता करना है, 7 9 कितना होता है, तो इस 56 में जस्ट आपको 7 ऐड करना है। 56 के बाद देखो 7 काउंट करो, आपको 63 मिलेगा। करके देखो, 57 58 59 60 61 62 63, मिला ना। तो इस तरीके से जो भी नंबर आपको आगे का चाहिए उसमें आप उतना ऐड करते रहो तो नेक्स्ट नंबर आपको मिलता रहेगा। आइए 8 का टेबल देखते हैं। 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 10 80। तो इसमें भी जब आप ऐड करते रहोगे 8 8 को तो आपको नेक्स्ट नंबर मिलता रहेगा। जैसे 8 2 16 है, इसके बाद आपको 8 3 पता करना है, तो 16 में आप 8 को प्लस करो, आपको 24 मिल जाएगा। कोई भी नंबर आप लो, उसका नेक्स्ट नंबर आपको पता करना है तो उतना ऐड आप कर दो, नेक्स्ट नंबर आपको पता चल जाएगा। इसी तरीके से 9 का टेबल है। 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81, 9 10 90। तो 9 के टेबल में भी सेम ऐसे ही करना है। जो भी टेबल आप प्रिपेयर कर रहे हो या उसका अगर आपको पता करना है तो आप जस्ट एडिंग करते रहो, उतना नंबर आपको आगे का मिलता रहेगा। आया समझ में? तो ये टेबल से बच्चों डायरेक्टली अगर आप बाय हार्ट कर लोगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पेज नंबर 28 पर ही आपको क्या दिया गया है। मेकिंग अ मल्टीप्लिकेशन टेबल विद द हेल्प ऑफ एडिशन। अब एडिशन से कैसे आप आगे का टेबल प्रिपेयर कर सकते हो, देखो कन्वर्सेशन चल रहा है। ताई कह रही है, टू मेक द 6 टाइम्स टेबल वी टेक 6 इन 2 पार्ट्स एज 6 इज इक्वल टू 4 प्लस 2। नाउ वी कैन टेक 4 and 2 टाइम्स टेबल्स एंड एड देम टू गेट द 6 टाइम्स टेबल। यहां पर ताई कह रही है कि 6 का टेबल अगर आपको प्रिपेयर करना है तो आप इसको एक अलग वे से प्रिपेयर कर सकते हैं। एडिशन करना है आपको 4 प्लस 2 का, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको 4 का टेबल्स लिख देना है। इस देखो यहाँ पर टेबल दिखाया गया है आपको, 4 टाइम्स टेबल, यानी ये 4 का टेबल है। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, इस तरीके से 4 10 40 तक है। और नेक्स्ट टेबल जो आपको दिया गया है 2 का टेबल है, 2 1 2, 2 2 4, इस तरीके से 2 10 20 तक दिया गया है। ताई कह रही है कि अगर आपको 6 का टेबल प्रिपेयर करना है तो आप कैसे करेंगे, 4 प्लस 2 अगर आप करोगे तो आपको 6 मिलेगा, तो 6 1 6 होता है, 4 प्लस 2 भी 6 होता है। जो भी आपको यहाँ पर नंबर्स दिए गए हैं उनको प्लस करोगे तो आपको 6 का टेबल यहाँ पर मिलता रहेगा। 8 प्लस 4 कितना होता है, 12 होता है, और 6 2 भी 12 होता है। तो बच्चों 4 and 2 के टेबल से आप 6 का टेबल प्रिपेयर कर सकते हो, जस्ट आपको ऐड करते रहना है।
जो भी आपको नंबर दिख रहे हैं यहाँ पर, दोनों को ऐड करोगे तो आपको 6 का टेबल यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे अगर आपको 6 त्रीजा पता करना है तो यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 6 है, 12 प्लस 6 कितना होता है 18 होता है, 6 त्रीजा भी 18 होगा। तो ये दोनों को प्लस करने के बाद जो भी नंबर आपको मिल रहा है वही आपको यहाँ पर 6 के टेबल में भी मिलेगा। तो टोनी ने क्या कहा देखो, जस्ट एज वी कैन मेक 6 टाइम्स टेबल यूजिंग द टेबल्स ऑफ 4 एंड 2, वी कैन मेक इट यूजिंग द टेबल्स ऑफ 5 एंड 1 2। तो यहाँ पर हमने 6 का टेबल प्रिपेयर करने के लिए 4 प्लस 2 6 लिया। टोनी कह रहा है कि अगर हमको 6 का टेबल प्रिपेयर करना है तो हम 5 प्लस 1 ऐसे भी कर सकते हैं, 5 का टेबल लें और 1 का टेबल लें, दोनों को प्लस करोगे तो भी आपको यही आंसर्स मिलेंगे। नेक्स्ट ताई क्या कह रही है देखो, दैट्स राइट वी कैन मेक अ न्यू टेबल यूजिंग 2 टेबल्स दैट वी ऑलरेडी नो। ताई कह रही है कि हाँ टोनी ने सही कहा, अगर हमें कोई न्यू टेबल बनाना है तो हम पहले के जो 2 टेबल हमारे पास हैं उसको यूज़ करते हुए हम आगे का न्यू टेबल प्रिपेयर कर सकते हैं। आगे टोनी कह रहा है सो वी कैन मेक 7 टेबल्स विद द हेल्प ऑफ 4 एंड 3 टाइम्स टेबल। तो बच्चों जो भी आपको नेक्स्ट टेबल बनाना है तो आपको 2 नंबर ऐसे लेने हैं, 2 डिजिट ऐसे लेने हैं जो प्लस करने के बाद आपको वो डिजिट मिले। जैसे कि अगर हमें 7 का बनाना है तो आप क्या कर सकते हो, 4 प्लस 3 करोगे तो 7 होगा, तो 4 और 3 के टेबल से आप 7 का टेबल प्रिपेयर कर सकते हो। इसी तरीके से अगर आपको 7 का ही टेबल प्रिपेयर करना है और आपको कोई 2 नंबर और चाहिए, 5 प्लस 2 भी 7 होता है, तो 5 और 2 के टेबल से भी आप 7 का टेबल प्रिपेयर कर सकते हो। 6 का टेबल और 1 के टेबल की मदद से भी आप 7 का टेबल प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको 8 का टेबल प्रिपेयर करना है तो आप कैसे करोगे, आपके पास 6 का टेबल होना चाहिए और 2 का टेबल होना चाहिए, तो 6 प्लस 2 8 होता है, 5 का टेबल है और 3 का टेबल है, 5 प्लस 3 भी 8 होता है। कोई भी 2 टेबल अगर आपको पता है तो आप आगे के टेबल्स प्रिपेयर कर सकते हो। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें पेज नंबर 29 पर क्या कहा जा रहा है। इट्स स्पेशल द 9 टाइम्स टेबल। अब देखो 9 का टेबल थोड़ा सा स्पेशल है। ताई यहाँ पर कह रही है कम आई विल टेल यू समथिंग अबाउट द 9 टाइम्स टेबल, राइट द नंबर्स इन रिवर्स ऑर्डर 9, 8, 7 अप टू 0 इन द यूनिट्स प्लेस। नाउ इन द टेंस प्लेस बिफोर देम राइट 0, 1, 2 टिल 9 इन सीरियल ऑर्डर एंड लुक वी हैव द 9 टाइम्स टेबल ऑल रेडी। इजेंट दैट वंडरफुल। ताई देखो क्या कह रही है, 9 का टेबल प्रिपेयर करने के लिए एक स्पेशल टेक्निक है। 9 से लेकर आप रिवर्स लिखना स्टार्ट करो। जैसे कि 9 के पहले क्या आता है, 8 आता है, 8 के पहले क्या आएगा, 7 आएगा। तो इस तरीके से जब 9 से आप रिवर्स आओगे, पीछे आओगे, बैकवर्ड आओगे, तो वो नंबर्स आपको एक यूनिट वाली प्लेस पर लिखना है। जैसे कि 9, 8, 7, 6 इस तरीके से आपको 0 तक जाना है, 9 से रिवर्स आना है आपको 0 तक। उसके बाद ताई कह रही है कि ये यूनिट वाली प्लेस लिख दी आपने, 10 वाली प्लेस पर आपको क्या करना है, 0 से स्टार्ट करोगे। तो यहाँ पर 0, 1, 2, 3 इस तरीके से आप 9 तक जाओगे, तो आपको क्या पता चलेगा, जब आप 9 तक पहुँचोगे लास्ट में तो ये आपका 9 का टेबल प्रिपेयर हो जाएगा। कैसे देखो, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, अगर आप इसको करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये ताई ने समझाया कि ये कितना वंडरफुल है कि हम 9 का टेबल प्रिपेयर करने के लिए रिवर्स अगर लिखें तो हमें 9 का टेबल मिल जाएगा। सोनू कह रहा है वाओ आई कैन सी समथिंग एल्स इफ वी एड द डिजिट्स इन द यूनिट्स एंड द टेंस प्लेस इन ईच नंबर वी ऑलवेज गेट 9। नाउ दैट्स इंटरेस्टिंग टू। अब देखो यहाँ पर सोनू ने एक और चीज़ हाईलाइट कराई। उसने कहा कि ये जो 2 डिजिट आपको दिख रहे हैं यूनिट और 10 वाली प्लेस पर, इन दोनों को अगर आप प्लस करते हुए जाओ तो हर टाइम आपको 9 ही मिलेगा। जैसे 0 प्लस 9 9 होगा, 1 प्लस 8 ये भी 9 होगा, 2 प्लस 7 ये भी 9, 3 प्लस 6 9, 4 प्लस 5 9। इस तरीके से अगर आप इन दोनों डिजिट्स को प्लस करते हुए नीचे तक जाओ तो आपको 9 ही मिलेगा। अब आगे देखो यहाँ पर हमें क्या कहा जा रहा है, द मल्टीप्लीकेशन 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 15 हैज़ बीन शोन इन द टेबल बिलो, फिल इन द राइट नंबर्स इन द एम्प्टी बॉक्सेस। यहाँ पर आपको क्या बताया गया है, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 15 मिलेगा। आगे के जो बॉक्सेस ब्लैंक हैं उसे हमें खुद ही फिल करना है। तो बच्चों ये टेबल्स है बहुत ही ईजी है, आइए मैं आपको समझाता हूँ कैसे करना है। 1 1 ज़ा 1 होता है, 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3, 1 4 ज़ा 4, 1 5 ज़ा 5। इस तरीके से ये 1 का टेबल पूरा आपको दिया गया है। नेक्स्ट आपको दिया है 2 का टेबल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। अब 2 6 ज़ा क्या होगा बच्चों बताओ, 2 6 ज़ा 12 होगा, ठीक है। 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 2 10 ज़ा 20। तो ये जो लाइन इस तरीके से जा रही है ये टेबल की है, ये 2 की लाइन है, ठीक है। अब 3 का टेबल आपको अगर करना है तो उसको ऐसे लिखना है, 3 1 ज़ा 3,
थ्री टू ज़ा सिक्स, थ्री थ्री ज़ा नाइन, अब थ्री फोर ज़ा क्या होगा, थ्री का टेबल हमने याद किया था, थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व, थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन, थ्री सिक्स ज़ा एटीन, थ्री सेवन ज़ा ट्वेंटी वन, थ्री एट ज़ा ट्वेंटी फोर, थ्री नाइन ज़ा ट्वेंटी सेवन, थ्री टेन ज़ा थर्टी। तो ये हो गया हमारा थ्री का टेबल, ठीक है। अब आइए फोर का टेबल करते हैं, फोर वन ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, फोर थ्री ज़ा, बताओ जल्दी, हमने किया था फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व, फोर फोर ज़ा सिक्सटीन ऑलरेडी हमें दिया गया है, फोर फाइव ज़ा क्या होगा ट्वेंटी, फोर सिक्स ज़ा ट्वेंटी फोर, फोर सेवन ज़ा ट्वेंटी एट, फोर एट ज़ा थर्टी टू, फोर नाइन ज़ा थर्टी सिक्स, लास्ट में क्या आएगा फोर टेन ज़ा फोर्टी। आया समझ में। अब आइए फाइव का टेबल करेंगे, फाइव वन ज़ा फाइव, फाइव टू ज़ा टेन, फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन, फाइव फोर ज़ा ट्वेंटी, फाइव फाइव ज़ा ट्वेंटी फाइव, और यहाँ पर क्या आएगा बताओ, फाइव सिक्स ज़ा थर्टी, फाइव सेवन ज़ा थर्टी फाइव, फाइव एट ज़ा फोर्टी, फाइव नाइन ज़ा फोर्टी फाइव, फाइव टेन ज़ा फिफ्टी। तो ये हो गया हमारा फाइव का टेबल। सिक्स का टेबल देखेंगे, सिक्स वन ज़ा सिक्स, सिक्स टू ज़ा ट्वेल्व, सिक्स थ्री ज़ा एटीन, सिक्स फोर ज़ा ट्वेंटी फोर, सिक्स फाइव ज़ा थर्टी, सिक्स सिक्स ज़ा थर्टी सिक्स ऑलरेडी दिया हुआ है हमें, सिक्स सेवन ज़ा फोर्टी टू, सिक्स एट ज़ा फोर्टी एट, सिक्स नाइन ज़ा फिफ्टी फोर, सिक्स टेन ज़ा सिक्सटी। आइए अब हम सेवन का टेबल लिखेंगे, सेवन वन ज़ा सेवन, सेवन टू ज़ा फोर्टीन, सेवन थ्री ज़ा ट्वेंटी वन, सेवन फोर ज़ा ट्वेंटी एट, सेवन फाइव ज़ा थर्टी फाइव, सेवन सिक्स ज़ा फोर्टी टू, सेवन सेवन ज़ा फोर्टी नाइन ऑलरेडी दिया हुआ है, सेवन एट ज़ा फिफ्टी सिक्स, सेवन नाइन ज़ा सिक्सटी थ्री, और लास्ट में आएगा सेवन टेन ज़ा सेवेंटी। नेक्स्ट एट का टेबल लिखेंगे, एट वन ज़ा एट, एट टू ज़ा सिक्सटीन, एट थ्री ज़ा ट्वेंटी फोर, एट फोर ज़ा थर्टी टू, एट फाइव ज़ा फोर्टी, एट सिक्स ज़ा फोर्टी एट, एट सेवन ज़ा फिफ्टी सिक्स, एट ज़ा सिक्सटी फोर ऑलरेडी दिया हुआ है आपको, एट नाइन ज़ा सेवेंटी टू, लास्ट में एट टेन ज़ा एटी। अब आइए नाइन का टेबल प्रिपेयर करते हैं, नाइन वन ज़ा नाइन, नाइन टू ज़ा एटीन, नाइन थ्री ज़ा ट्वेंटी सेवन, नाइन फोर ज़ा थर्टी सिक्स, नाइन फाइव ज़ा फोर्टी फाइव, नाइन सिक्स ज़ा फिफ्टी फोर, नाइन सेवन ज़ा सिक्सटी थ्री, नाइन एट ज़ा सेवेंटी टू, नाइन नाइन ज़ा एटी वन ऑलरेडी दिया हुआ है, और यहाँ पर लास्ट में आएगा नाइन टेन ज़ा नाइन्टी। देखो टेन का टेबल हमें प्रिपेयर करना है, टेन वन ज़ा टेन दिया हुआ है, टेन टू ज़ा ट्वेंटी, टेन थ्री ज़ा थर्टी, टेन फोर ज़ा फोर्टी, टेन फाइव ज़ा फिफ्टी, टेन सिक्स ज़ा सिक्सटी, टेन सेवन ज़ा सेवेंटी, टेन एट ज़ा एटी, टेन नाइन ज़ा नाइन्टी, और लास्ट में आएगा टेन टेन ज़ा हंड्रेड। अब देखो ये जो चार्ट हमने प्रिपेयर किया, इसकी एक खासियत है, इसकी स्पेशलिटी है, अगर आप इसको ऐसे देखें तो ये वन का टेबल है, वन वन ज़ा वन, वन टू ज़ा टू, इस तरीके से पूरा आपको टेन तक मिलेगा, वन टेन ज़ा टेन। अगर आप ऐसे देखें तो ये भी वन का ही टेबल है, वन वन ज़ा वन, वन टू ज़ा टू, लास्ट तक अगर आप देखेंगे तो ये जो लाइन में नंबर्स आपको दिख रहे हैं या जो डिजिट आपको दिख रहे हैं इसमें, वही सेम आपको यहाँ पर मिलेगा। अब टू का टेबल देखो ऐसे अगर आप पढ़ो, टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, टू थ्री ज़ा सिक्स, है ना, लेकिन अगर आप इसको ऐसे देखें तो ये भी आपको टू का टेबल ही दिखेगा। देखो कोई भी नंबर आप ले लो, जैसे टू थ्री ज़ा सिक्स, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो टू थ्री ज़ा सिक्स यहाँ पर भी आपको दिखेगा, ठीक है। ऐसे अगर आप देखोगे तो आपको वही नंबर मिलेंगे, और ऐसे देखोगे तो भी आपको सेम वही नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर हमें जो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए ऊपर एग्जांपल दिया गया था, फाइव मल्टीप्लाई बाय थ्री, फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन होता है, है ना, देखो फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन होता है, लेकिन अगर आप देखें थ्री फाइव ज़ा भी फिफ्टीन ही होता है। अगर आप थ्री का टेबल देखें, जैसे कि ये थ्री का टेबल है, फाइव में अगर आप देखें तो यहाँ पर भी फिफ्टीन मिल रहा है आपको, और यहाँ पर भी देखें तो फिफ्टीन ही मिल रहा है। तो जो भी रिवर्स नंबर होगा, जैसे कि फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन, तो थ्री फाइव ज़ा भी फिफ्टीन होगा। अगर आप देखते हैं कि फोर सेवन ज़ा, फोर सेवन ज़ा क्या है ट्वेंटी एट है, तो अगर आप इसको रिवर्स कर लो, फोर सेवन ज़ा हमने बोला, तो सेवन फोर ज़ा अगर आप देखोगे तो वो भी आपको ट्वेंटी एट ही मिलेगा। देखो सेवन फोर ज़ा ट्वेंटी एट है। चलो ट्राई कर लो, कोई भी रैंडम नंबर आप चूज़ करो। एग्जाम्पल हम लेंगे सिक्स नाइन ज़ा, सिक्स यहाँ पर दिया गया है और नाइन यहाँ पर है, सिक्स नाइन ज़ा क्या होता है फिफ्टी फोर होता है। अब इसको अगर आप रिवर्स कर लो, नाइन सिक्स भी देखोगे तो आपको फिफ्टी फोर ही मिलेगा। देखो नाइन कहाँ पर है, नाइन यहाँ पर है, और सिक्स कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो देखो ये वाला फिफ्टी फोर, ये वाला फिफ्टी फोर सेम ही है। ऐसे ही कोई भी नंबर आप देखो, एट फोर ज़ा देखो कितना होता है, एट है फोर है, तो एट फोर ज़ा थर्टी टू होता है। अब फोर एट ज़ा देखोगे तो भी आपको थर्टी टू ही मिलेगा। देखो फोर है और ये एट है, तो मिला ना यहाँ पर भी थर्टी टू और यहाँ पर भी थर्टी टू। ऐसे आप कोई भी नंबर को देखो तो आपको रिवर्स करने पर मल्टीप्लीकेशन में वही मिलेगा। ये सब हमने चार्ट प्रिपेयर कर लिया है, तो चलो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 30 पर आपको कहा जा रहा है कैरी आउट द फॉलोइंग मल्टीप्लीकेशंस। तो बच्चों यहाँ पर आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टेबल्स आना ज़रूरी है, तो टेबल्स की लिस्ट जो कि देख सकते हैं आप यहाँ पर। आइए सबसे पहले फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको दिया है थ्री सिक्स ज़ा कितना होता है,
18 होता है, यहाँ पर लिखो 18। आप देखो यहाँ पर 6 3 भी 18 ही होगा, 3 6 भी 18 होगा। देखो 3 का टेबल में अगर आप देखो तो 3 6 18 मिल रहा है, और अगर आप 6 3 देखो तो 6 का टेबल कहाँ, यहाँ पर है, 6 3 भी 18 ही मिलेगा। तो दोनों वे से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये नेक्स्ट वाला जो आपको दिया गया था, इससे पहले वाले हमने देखा था 5 3 क्या होता है 15, तो यहाँ पर आप 15 लिखो। 7 5 या 5 7 दोनों भी चलेगा। तो देखो 7 के टेबल में आपको 5 टाइम्स जाना है, तो 7 5 क्या होता है 35। इस वाले बॉक्स में हम लिखेंगे 35। नेक्स्ट 8 3 या 3 8 कर लो, दोनों ही आपको सेम मिलेगा। आइए 8 का टेबल देखते हैं, 8 और आपको 3 टाइम्स जाना है, तो 8 3 कितना होता है 24। और अगर 3 के टेबल में देखो तो 3 8 भी 24 ही होता है, इस वाले बॉक्स में हम लिखेंगे 24। नेक्स्ट 6 4 या 4 6 कर लो, 4 का टेबल देखो, 4 6 कितना होता है 24 होता है, और 6 4 भी 24 होगा, तो इस वाले बॉक्स में हम लिखेंगे 24। 7 8 7 का टेबल किधर है, और 8 टाइम्स जाओ तो 7 8 होता है 56, इस वाले बॉक्स में लिखो 56। तो हो गया हमारा ये मल्टीप्लीकेशन। आपको टेबल्स आनी चाहिए बच्चों, ये एग्जाम में आपको इस तरीके से नहीं दिया जाएगा, आपको बाय हार्ट होना चाहिए, तभी आप मल्टीप्लीकेशन अच्छे तरीके से कर सकोगे। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों आपको कहा जा रहा है, फ्रॉम द पिक्चर्स गिवन बिलो मेक एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड सॉल्व दैम। एक एग्जाम्पल दिया गया है, देखो क्या कह रहे हैं, द एग्जाम्पल मेड फ्रॉम द फॉलोइंग पिक्चर्स, देर आर 6 flowers इन ईच रो, हाउ मेनी फ्लावर्स इन 4 such rows। क्या कहा जा रहा है, देखो आपके पास 6 flowers हैं, इसको काउंट करो 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 flowers हैं आपके पास, और लाइन कितनी है, रो कितने हैं आपके पास, 4 rows हैं, 1 2 3 4। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, फ्लावर्स इन 1 row, एक रो में कितने हैं 6 हैं, तो इस वाले बॉक्स में हम लिखेंगे 6। नेक्स्ट आपको दिया गया है नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज यहाँ पर आपको बताया गया है 4 है, तो यहाँ पर आप लिखोगे 4। अब मल्टीप्लीकेशन करना है आपको, 6 4 कितना होता है, देखो यहीं पर हमने किया है, तो क्या लिखेंगे नीचे आप 24। तो अगर आप इसको काउंट करें यहाँ से लेकर यहाँ तक 24 होंगे, तो आप काउंट करके देख सकते हैं। चलो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों आपको दिया गया है, कुछ बॉल्स हैं और यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा है, बॉल्स इन 1 box, 1 box में कितने बॉल दिख रहे हैं आपको, देखो काउंट करो 1 2 3, इस वाले बॉक्स में 3 है, इस वाले बॉक्स में भी 3 है, हर बॉक्स में आपको 3 balls दिख रहे हैं, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, इस वाले बॉक्स में हम लिखेंगे 3 balls in 1 box, एक बॉक्स में 3 ball है इसलिए यहाँ पर हमने 3 लिखा। देन अब यहाँ पर अगर आप काउंट करें कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्यों 7 लिखा बच्चों, क्योंकि बॉक्सेस 7 थे, यहाँ पर हमें बॉल्स पूछा है और यहाँ पर बॉक्स पूछा है, तो बॉल्स हमने काउंट किया तो हर एक बॉक्स में 3 balls थे, इसीलिए बॉल्स यहाँ पर 3 लिखे, और यहाँ पर बॉक्सेस पूछा गया था इसीलिए हमने बॉक्स लिखे हैं, कितने बॉक्सेस हैं 7 boxes हैं। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा आपको, देखो 3 लिखोगे आप, नीचे लिखोगे 7, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन साइन। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, हमने 3 का टेबल पढ़ा था, तो 3 7 कितना होता है, 3 7 होता है 21, तो इस वाले बॉक्स में आएगा आंसर 21। तो था ना बच्चों बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट एग्जांपल में देखो आपको कुछ डॉल्स दी गई है, एक डॉल का प्राइस 8 rupees है, और ऐसी कितनी डॉल्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 डॉल्स हैं, और हर एक का प्राइस 8 है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं इसका प्राइस, प्राइस कितना है 8 है, और डॉल्स कितनी है हमारे पास 5 है, दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 8 5 कितना होता है, या 5 8 कर लो, 5 8 होता है 4 0 40। तो ये मिल गया बच्चों हमें आंसर, 8 5 40 होता है, अगर एक डॉल की प्राइस 8 rupees है तो 5 डॉल की प्राइस 40 होगी, आया समझ में। नेक्स्ट देखो बच्चों आपको एक एप्पल्स का एग्जांपल दिया है, 4 ऐसी प्लेट्स दी गई है और हर एक में 5 apples हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एप्पल्स लिखेंगे, एप्पल्स आपको दिए हैं 5 और प्लेट्स कितनी है, देखो 1 2 3 4, तो नीचे हम लिखेंगे 4, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 कितना होता है, या 4 5 देख लो 20 होता है, तो ये हो गया आपका आंसर। तो अगर एक प्लेट में 5 apples हैं तो 4 plates में कितने एप्पल्स होंगे, हर एक में 5 5 है तो 20 होंगे। तो बच्चों इसी के साथ यहाँ पर हम पार्ट 2 को एंड कर रहे हैं, इसके बाद इसी चैप्टर का हम पार्ट 3 बहुत जल्द लाएंगे और वो पार्ट लास्ट होगा इस चैप्टर का। आई होप बच्चों जो भी मैंने आपको समझाया इजीली आपको समझ आ गया होगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, हम ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।